ये है आम जिंदगी। ये है मेंटोस जिंदगी। तो यस, आज की वीडियो को देखने के बाद आप लोग भी अपने एंड्रॉयड डिवाइसेस में माइनक्राफ्ट जावा एडिशन को खेल पाओगे, वो भी एक अच्छे खासे प्लेबल एफपीएस में। तो गाइस, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा मस्त होने वाली है, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा आज माइनक्राफ्ट जावा को कैसे डाउनलोड करना है अपने फ़ोन में, और गाइस ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस भी है। तो मैंने जो है वीडियो को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहले मैं आपको बताऊंगा डाउनलोडिंग प्रोसेस। अगर आपको डाउनलोडिंग प्रोसेस पता है तो आप जो सीधा ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस पे स्किप कर सकते हो। मैंने जो है वीडियो की टाइम स्टैम्पिंग कर दिया, तो कोई चिंता की बात नहीं है। तो सबसे पहले आप लोगों को पूजो लॉन्चर को डाउनलोड कर लेना, जो कि आपको प्ले स्टोर में बिल्कुल ही फ्री मिल जाएगा, तो उसको डाउनलोड कर लो फटाक से। ओके, तो आप लोगों ने पूजो लॉन्चर को डाउनलोड कर लिया है, और चलो यार अब मैं जो है आपको इन गेम ऑप्टिमाइजेशन सेटिंग्स को बताता हूँ, जिनको करने के बाद आपकी जो है गेम स्मूथ होने वाली है, और अगर आप लोगों ने सभी स्टेप को अच्छे से किया तो आपके जो है FPS ऑलमोस्ट डबल होने वाले हैं। यस, और हाँ, मैं आप लोगों को ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहने वाला हूँ कि ऑप्टिमाइजेशन करने के बाद आप जो आरएल क्राफ्ट को खेल पाओगे। नहीं यार, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यार आरएल क्राफ्ट जो है काफ़ी हैवी एडोन है, लेकिन हाँ आप जो है कुछ लाइट वेट एडोन्स को खेल सकते हो, कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली। और अगर आपके फ़ोन में गेम स्पेस है तो इसको जो है फुल परफॉर्मेंस में कर दो, ताकि आपको जो एक अच्छी खासी परफॉर्मेंस मिल सके। उसके बाद अपने लॉन्चर को ओपन करो, परमिशंस को अलाउ करो। तब हम आ चुके हैं लॉगिन पेज में, और आप यहाँ पे जो अपने माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट के साथ भी लॉगिन कर सकते हो अगर आपको मल्टीप्लेयर खेलना है। लेकिन हाँ, मैं आपको यहाँ पे हाईपिक्सल तो रिकमेंड नहीं करूँगा, लेकिन हाँ आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ खेल सकते हो जरूर से। तो यहाँ पर अभी के लिए मैं जो है ऑफलाइन अकाउंट बना रहा हूँ, तो यार फटाक से बना लो, आईडी पासवर्ड जो मर्जी रख दो ऑफलाइन के लिए। वैसे तो माइक्रोसॉफ्ट में आपको जो है जो आपका आईडी पासवर्ड है वही डालना पड़ेगा। ओके, तो अब हम आ चुके अपने लॉन्चर के मेन स्क्रीन में, और हाँ गाइस, इस वीडियो में मैं जो है माइनक्राफ्ट 1.16.5 वर्जन के ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस के ऊपर बात करने वाला हूँ। मैं उसी वर्जन को खेलूंगा, आप जिसके ऊपर के वर्जन को भी खेल सकते हो 1.17। और यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि यार आप इसके जो लोअर वर्जन को मत खेलोगे, क्योंकि यार उसमें थोड़ा बहुत लैग इशू हो सकता है। बाकी यार आपकी मर्जी है, ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस सेम है। ये ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस 1.12 के ऊपर वाले वर्जन में चलेगा, इसके नीचे में तो मैं गारंटी नहीं दे सकता हूँ। तो यस, इसके लोअर वाला मत ही खेलना एनीवेज। तो यहाँ पे मैं जो अपने वर्जन को सिलेक्ट कर लेता हूँ, आप लोग भी अपने वर्जन को सेलेक्ट कर लेना। अब यहाँ पर प्ले मत करना, यहाँ पे हमको जो एक सेटिंग का ऑप्शन दिख रहा है, आपको जो इस पे क्लिक करना है। देन यहाँ पे आपको जो है करना है नीचे स्क्रॉल डाउन, और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा मेमोरी एलोकेशन का। तो यार आप देख सकते हो पहले से जो है बाय डिफॉल्ट बहुत ही कम जो है रैम इसमें एलोकेट होती है, जिससे आपकी जो गेम लैग होती है। तो यार आप जो अपने फ़ोन के रैम के हिसाब से इसको जो है थोड़ा बहुत बढ़ा सकते हो। तो यार जितने भी आपके फ़ोन की रैम हो उसका जो है 30-40% ही रखना, बिल्कुल यार फुल मत करना, और उसके ऊपर भी मत करना 50K, क्योंकि यार इतना करोगे तो आपकी जो है गेम डेफिनेटली क्रैश होने वाली है। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मेरा डिवाइस है 3GB रैम का, तो यहाँ पर मैं जो अराउंड 1100MB मेमोरी जो है एलोकेट कर रहा हूँ। ये आपको अपने डिवाइस के हिसाब से देखना पड़ेगा। इसके बाद आपको करने से नीचे स्क्रॉल डाउन, और यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन दिखेगा रेजोल्यूशन स्केलर, जो कि आपको जो है 100% पे होगा। तो इसको अगर आप लो करोगे तो आपके जो गेम का रेजोल्यूशन थोड़ा बहुत कम हो जाएगा, लेकिन हाँ आपको जो FPS डेफिनेटली इंक्रीज होंगे। तो आप इसको जो है थोड़ा बहुत अपने डिवाइस के हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं जो 60 कर रहा हूँ, जो कि डिसेंट है, मेरे को तो अच्छा लगता है। बाकी यार आप लोग देख लेना, थोड़ा बढ़ा भी सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओके, तो गाइस जो हमने बाहर से सेटिंग करनी थी वो सब हो चुकी है, और अब हमको जो इन गेम सेटिंग करनी है। लेकिन उससे पहले यहाँ पर हम जो इंस्टॉल करने वाले हैं ऑप्टिफाइन को। ऑप्टिफाइन हमारे गेम में काफ़ी ज़्यादा सेटिंग्स को ला देता है, जिससे हम अपने गेम को काफ़ी हद तक ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो ऑप्टिफाइन को इंस्टॉल करने से पहले आपको जो अपनी गेम को प्ले करना है, और यहाँ पर गेम डाउनलोड हो रही है, तो जब तक हमारी गेम डाउनलोड हो रही है हम जो ऑप्टिफाइन को डाउनलोड करते हैं। तो आपको डाउनलोड लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको जो ऑप्टिफाइन का सीधा पेज में आ जाना है, और उसके बाद यहाँ पर आपको जो एक डाउनलोड का बटन दिखेगा सबसे ऊपर, आपको जो इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। और यहाँ पर आपको जो सभी वर्जन दिख जाएंगे, आपका जो भी वर्जन हो अपने वर्जन के हिसाब से डाउनलोड कर लेना। ओके, तो यहाँ पर है मेरा 1.16.5, तो यहाँ पर जो एक डाउनलोड का बटन दिख रहा है इसके ऊपर कर लेना सीधा क्लिक, और उसके बाद यहाँ पर आएगी ऐड, जो कि यार बहुत ईजी है बाईपास करना, बस आपको थोड़ा सेकंड वेट करना है। और यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन स्किप ऐड का, तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर आ चुका है, और अब हमको जो इसके ऊपर कर लेना है क्लिक। तो जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पर आप आ जाओगे डाउनलोड पेज में, और यहाँ पर लास्ट टाइम डाउनलोड पर क्लिक करो और आपका ऑप्टिफाइन डाउनलोड हो जाएगा। ओके, तो अभी भी हमारी गेम डाउनलोड हो रही है, तो थोड़ा बहुत और वेट करना पड़ेगा यार। ऑप्टिफाइन को इंस्टॉल करने से पहले एक बार अपनी गेम को जो है डाउनलोड करके रन कर लेना, ताकि यार आपके जो है गेम की फाइल सब कुछ अच्छे से चल जाए। ओके, तो गेम हमारी चल चुकी है, लेकिन अभी हम इसको खेलने नहीं वाले, क्योंकि अभी हमने ऑप्टिफाइन को इंस्टॉल करना है। तो
अभी के लिए यहाँ पर मैं कर देता हूँ क्विट गेम। गेम का क्विट करने के बाद आपका जो है दोबारा से लॉन्चर में, और यहाँ पर आपको वर्जन के नीचे एक नया ऑप्शन दिख रहा है जिसका नाम है ऑप्शंस। आपको जो इसके ऊपर करना है क्लिक, देन आपको पहले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है इंस्टॉल फॉर्ग। आप अपने उस फोल्डर में जाना जहाँ पे आपने ऑप्टिफाइन को डाउनलोड किया और सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप इस लॉक पेज में आ जाओगे और आप इसको यहाँ से क्रॉस कर सकते हो। और उसके बाद यहाँ पर आप आ चुके ऑप्टिफाइन के वेलकम इंस्टॉल स्क्रीन में। तो यहाँ पर आपको जो इंस्टॉल का बटन दिख जाएगा, आपको जो इसके ऊपर कर लेना है क्लिक। अब आपको कुछ सेकंड वेट करना है, उसके बाद यहाँ पे एक ऐसा मैसेज आ जाएगा। तो गाइस ऑप्टिफाइन जो है हमारा सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है, और अब हमें जो अपने गेम को रन करना है। अब आपको अपने वर्जन में सेलेक्ट करना है, और आप इसको जो है सबसे नीचे ड्रैग करो, और यहाँ पर आपको एक न्यू ऑप्शन दिखेगा ऑप्टिफाइन का। आपको जो इसके ऊपर क्लिक करना है और प्ले के बटन पर क्लिक कर देना है। ओके गाइस, फाइनली यहाँ पर हमारा जो ऑप्टिफाइन इंस्टॉल हो चुका है, और अब हमारा जो 50% काम कंप्लीट हो चुका है, और अब बाकी का भी ये बहुत ही जल्दी हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो यहाँ पर जो सब कुछ अच्छे से इंस्टॉल हो चुका है, और अब आप जैसे ऑप्शन पर जाओगे और वीडियो के ऑप्शन पर जाओगे, और यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा न्यू ऑप्शन आ चुके हैं। और ट्रस्ट में गाइस, दो चंक में आपको जो है बहुत ही पास तक दिखने वाला है, जो कि आपको बताइए। तो आप इसको जो थोड़ा बहुत इंक्रीज़ कर सकते हो, तो यहाँ पर मैं जो आपको 8 कर रहा हूँ, आप अपने हिसाब से कर सकते हो जितना आपका FPS मिले। और हाँ, यहाँ पे आपको जो है फ्रेम रेट अनलिमिटेड पे होगा, तो यार इसको जो थोड़ा बहुत डिक्रीज़ कर लो। और यार देखो, ऐसा मैं आपको इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यार देखो एंड्रॉयड में अनलिमिटेड मिलना तो यार पॉसिबल नहीं है। तो अनलिमिटेड पे रखने पे आपका जो है डिवाइस ओवरलोड हो सकता है, तो यार इसीलिए इसको जो है अनलिमिटेड पे मत करना, बाकी यार आप लोगों की मर्जी। ओके, तो बाकी की सेटिंग आप लोग देख सकते हो, चाहो चाहे स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप लोग भूलो ना। और हाँ, अगर आपकी गेम इसके बाद भी लैग हो तो अपने जो है रेंडर डिस्टेंस को थोड़ा कम कर लेना, जिससे आपको एक अच्छे खासे FPS मिल जाएंगे। ओके, तो गाइस देखा आप लोगों ने हमारी माइनक्राफ्ट जावा हमारे एंड्रॉइड में चल रही है, वो भी यार एक अच्छे खासे प्लेबल FPS में। यार मतलब मज़ा आ रहा है खेलने का, और प्लस हम खेल रहे हैं लेटेस्ट वर्जन में, जो कि यार एक बहुत ही अच्छी बात है। और आप इसमें जो है एडोन्स को इंस्टॉल भी कर सकते हो जैसे कि मैंने बोला, लेकिन हाँ यार लाइट वेट ही करना। तो यार आपको पता है, आपको जैकर्स फॉर की वेबसाइट पर जाना, और आपको वहाँ से सभी एडोन डाउनलोड कर लेने। और अगर आपको इंस्टॉलिंग प्रोसेस नहीं पता, तो यार आप लोग मुझे कमेंट में बताओ कि आप लोगों को इसके ऊपर एक और नई वीडियो चाहिए कि एडोन को कैसे इंस्टॉल करना है। और अगर कोई और हेल्प चाहिए तो यार मुझे कमेंट में ज़रूर से बताना। और हाँ यार, हमारा डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए, आप लोग मुझे वहाँ पे बता सकते हो, मैं आपको वहाँ पे बहुत ही जल्दी आंसर दे दूँगा। तो बस गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो यार लाइक कर दो, और माइनक्राफ्ट जावा हमारे फ़ोन में चल चुकी है इसी बात पर सब्सक्राइब तो बनता यार, और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दो। मिलता है आपसे अगली वीडियो में, बाय बाय।